तो देखो कैसी लाइट है, देख लिया दोस्तों आपने, चलो बंद कर रहे हैं बाइक। तो फाइनली आई रीच टू दिल्ली और मैं अपनी बहन के साथ वॉशरूम जा रही हूँ क्योंकि उसे बहुत जल्दी सुसुआई है दोस्तों। तो तेरी वो है, शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ। आई विल टॉक टू यू लेटर गाइज, इसका सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा कल दोस्तों, सो बी इन टच विद मी ओके। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज आज मैं देहरादून टू दिल्ली का जर्नी करने वाली हूँ विद शताब्दी और इसके दो पार्ट्स आएंगे गाइज, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा गाइज और मेरे साथ रहिए गाइज क्योंकि मैं आपको पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ मेरी कैसी होगी। तो आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना दोस्तों, तो लेट्स गो। ये मेरी ट्रेन थी, आप देख सकते हो शताब्दी एक्सप्रेस। तो रात होती है तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, कुछ खाने के लिए देंगे दोस्तों, चढ़ने के लिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको दोस्तों के। बाय दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं हुआ था और ये स्नैक्स मेरे पास आ गया था, मेरे से ड्यूटी डिलीट हो गई दोस्तों। दोस्तों देखो, मैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे ट्रेन में बैठ के। दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी पूरी वीडियो डिलीट हो गई मेरे से, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। लिटरली मुझे लग नहीं रहा है कि मैं शताब्दी में ट्रैवल कर रही हूँ। अभी मैं दूसरे वाले वॉशरूम में गई थी, मैं इधर की साइड वाले में आई हूँ, वहां पर जैसे मैं उल्टी कर रखी थी दोस्तों और वो ना पूरे बह रहा था इसमें सीट में। इट वॉज सो एम्बेरसिंग यू नो फॉर IRCTC। सच में यार मैं उनको वो नहीं करना चाहती, तो मैं वो नहीं। चलो दोस्तों मेरे को सुसु आई, मैं करती हूँ बात आपसे। हम लोग यहाँ पर कौन सा है अक्सू, कौन सा स्टेशन है ये, सहारनपुर रुक चुके हैं। यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट है और मेरी मम्मी ने मेरे अपने लिए लिमका मंगाया है, इसलिए मैं मम्मी के लिए लिमका लेने के लिए आई हूँ दोस्तों। आपसे मिलती हूँ अभी। मेरी मम्मी का ना खाना आ चुका है और मेरी मम्मी नॉनवेज खा रही है और मैं वेज खाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे अपने में से टेस्ट करवाएगी, इसलिए ये देख लिया दोस्तों आपने। अभी दोस्तों दिखाती हूँ मैं क्या क्या है, टेस्ट कर लेंगे। फाइनली आई रीच टू दिल्ली और मैं अपनी बहन के साथ वॉशरूम जा रही हूँ क्योंकि उसे बहुत जल्दी सुसुआई है दोस्तों। तो तेरी वो है, शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ। आई विल टॉक टू यू लेटर गाइज, इसका सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा कल दोस्तों, सो बी इन टच विद मी ओके। दोस्तों खाना तो बहुत ही अच्छा था, ये वेज था और जो मैंने मंगाया था वो नॉन वेज था दोस्तों, तो आप देख लो ये चीज़ें थी उसमें, वो बहुत टेस्टी था। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ रूम में मैंने चेक इन कर लिया है और इस होटल का नाम है IV होटल और मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी दोस्तों कि हम ट्रेन से कल आए और हम यहाँ पर बहुत मुश्किलों से पहुँचे हैं दोस्तों, हम आपको क्या ही बताएं क्योंकि हमें दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं यहाँ पर। तो हमें ये रूम मिला है और मैं आपको रूम टूर दे दूंगी। और अभी मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी ट्रेन की टिकट्स थी वो हमें पड़ी थी 955 रुपीज की पर पर्सन, जिसमें खाना मतलब जो हमारा मील और जो हमारा स्नैक्स था वो सब इंक्लूड था, आपने देखा ये वीडियो में। और मेरी मम्मी को देख देख के हंस रही है दोस्तों, तो मैं क्या करूँ अब आप बताओ। तो और क्या मील वील सब इंक्लूड था और 955 रुपीज की हमारी टिकट्स पड़ी थी। तो बस मैं आपको यही कहना चाह रही थी और ट्रेन का नाम था शताब्दी चेयर कार
बस शताब्दी एक्सप्रेस चेयर कार, यही था उसका नाम। और द ट्रेन वॉज गुड, अच्छी थी, सर्विस वगैरह अच्छी थी, पर लेकिन जो उनका वॉशरूम था, जो सीट्स वगैरह थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे तो दोस्तों मेरे पुठे ही टरटरे हो गए वहाँ बैठे बैठे, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो कमर में दर्द हो गया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे को वहाँ का बैठने बैठने का, लेग स्पेस भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, पैर से करके बैठने पड़े थे। पर ठीक, खाना वाना सर्विस वगैरह ठीक थी, वन टाइम एक्सपीरियंस ठीक है, पर हमेशा आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन दैट ट्रेन। बस खाने के लिए ट्रैवल किया था मैंने, सच बताऊँ आपको तो। तो चलो दोस्तों आपको रूम टूर देती हूँ, ओके बाय, सेकेंड वीडियो में मिलते हैं।